प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ भाजपा के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बैठक में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बाढ़ के हालात का जायजा लेने दो दिन के दौरे पर केरल पहुंचे हैं। वे चेंगनूर स्थित राहत शिविर में गए और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल ने रेस्क्यू अभियान में मदद करने वाले जवानों मछुआरों को सम्मानित भी किया। वहीं केरल कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह 1001 बाढ़ पीड़ितों के घर बनाएगी। एमके स्टालिन को द्रमुक का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। 65 साल के स्टालिन ने पदभार संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। स्टालिन ने कहा, मेरा सपना उनका विरोध करना है जो हर मसले को धार्मिक रंग देना चाहते हैं। पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के बाद स्टालिन पार्टी के दूसरे अध्यक्ष हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी के बीच होती दिख रही है। ऐसे में एक रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैं यहां 22 सीटें जीतूंगा और मैं अमित शाह को चुनौती देता हूं कि वे यहां 22 बूथ भी जीत कर दिखा दें। देश की न्यायपालिका के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने किसी कार्यक्रम में गाना गाया। केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में जस्टिन कुरियन जोसेफ और जस्टिन के एम जोसेफ ने गीत गाया। केरल निवासी दोनों जजों की भावपूर्ण प्रस्तुति के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने दिल खोलकर दान दिए। ताजमहल संरक्षण मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कई सवाल उठाए। कोर्ट ने ताजमहल के रखरखाव के लिए सरकार द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट पैनल को एक महीने में विजन डॉक्यूमेंट देने का निर्देश भी दिया। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव हिंसा केस में पुणे पुलिस ने देश के अलग अलग शहरों में छापा मारा। इस दौरान हैदराबाद में वामपंथी कार्यकर्ता कवि वारवरा राव और छत्तीसगढ़ में ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज की गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें कि सभी छापेमारी पुणे पुलिस और स्थानीय पुलिस ने एक साथ की। भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने 18वें एशियाई खेलों के 10वें दिन पूल ए के मुकाबले में श्रीलंका को 20-0 से हरा दिया। इसके साथ ही उनका प्रवेश सेमीफाइनल में हो गया है। वहीं भारतीय हॉकी पुरुष टीम पूल मुकाबले में सभी मैच जीतकर टॉप पर है। आपको बता दें कि ये भारतीय टीम की लगातार 5वीं जीत है। एशियन गेम्स के 10वें दिन भारत को अब तक 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। भारत को बैडमिंटन में 1 सिल्वर, आर्चरी में 2 सिल्वर और टेबल टेनिस में 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। बैडमिंटन में महिला एकल फाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु को सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा, लेकिन वे पहली भारतीय हैं जो एशियन गेम्स में बैडमिंटन स्पर्धा में फाइनल तक पहुंची हैं। और अब बात करेंगे शेयर मार्केट की। ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों से मंगलवार को शेयर बाजार एक बार फिर रिकॉर्ड नई ऊंचाई पर बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 203 अंकों की उछाल के साथ 38,897 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 47 अंक चढ़कर 11,739 के स्तर पर क्लोज हुआ।